The average mark of obtained by four students on a class is 65. Find the sum of the marks obtained. अच्छा जी, बच्चे हैं चार टोटल और द एवरेज मार्क, हर बच्चे के जो एवरेज नंबर आए हैं वो 65 आए हैं। बताएं बच्चों के टोटल नंबर कितने हैं। मैं अभी स्टार्ट में बड़े आसान आसान से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बताएं बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता क्या, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ में ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोगों की मैथ बहुत अच्छी होती है और कुछ की बिल्कुल फारिग होती है, तो मुझे दोनों को साथ लेके चलना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि द एवरेज, एवरेज का फार्मूला आपने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। सम डिवाइडेड बाई नंबर, ठीक है, जो तादाद है उनकी, यही फार्मूला था हमारा। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि चार बच्चे हैं तो स्टूडेंट की तादाद कितनी हो गई, चार, उनकी एवरेज कितनी है 65, और सम पूछा हुआ, ठीक है। सिंपल इज दैट, आप वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। इसका मतलब है कि वो ऐसा भी कर सकता है कि वो एवरेज की बजाय कभी तादाद पूछ ले कि जी इतना टोटल नंबर है और ये एवरेज थी, बताएं बच्चे कितने थे, मतलब कुछ भी इस तरह का पूछ सकता है। अब फोर को उधर जाके आप 65 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 65 मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू, ये आपका सम आ जाएगा, 6 चौका 24 है आपका, ठीक है, और 5 चौका 20, दोनों का जमा किया 260 बनता है। तो बच्चों का जो टोटल स्कोर है वो 260 है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब आ जाए थोड़े से मुश्किल सवालों की तरफ जाते हैं। ए स्कूल हैज ओनली 3 क्लासेज, ठीक है, पहली क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, दूसरी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तीसरी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है। द पास परसेंटेज ऑफ दीज क्लासेज आर, पहली क्लास में से 80% लोग पास हुए हैं, दूसरी में से 70% और तीसरी में से 60%, ठीक है। फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ द एंटायर स्कूल, पूरे स्कूल की पास परसेंटेज क्या है, बताएं जी, शाबाश, जल्दी करें। हाँ जी, जो साजिद सत्तार ने, ये आप में से 200%, अच्छा जी, कोई कह रहा है, वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा जी, इस सवाल का आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज फाइंड करने का तरीका पता क्या होता है, इसका फार्मूला सबसे पहले सुन लें। जो आपको एवरेज दी हुई थी, ये परसेंटेज भी यहाँ पे एवरेज ही है, A1, ठीक है, जो भी आपकी एवरेज है, मल्टीप्लाई पर X1, पहली की तादाद को उसकी एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय X2 प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय X3 एंड सो ऑन, An मल्टीप्लाई बाय XN, ये बात हो गई। और नीचे जो है सिर्फ जो तादाद है उसको जमा करना है, X1 प्लस X2 प्लस X3, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस XN, ठीक है। अब ये फार्मूला सबसे पहले एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला आपका लगना है, ठीक है। अब अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी पहले तो है A क्या है, इट मींस ये A आपकी एवरेज है जो कि यहाँ पे दी हुई है, ये वाले, ठीक है। और N X क्या है, इसको आप N भी कह सकते हैं, ये आपका X है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, फर्स्ट किया A1 क्या है, 80 एवरेज है, ठीक है, मल्टीप्लाई उसकी तादाद कितनी है 20, अच्छा जी, उसके बाद प्लस दूसरा कितना है जी 70 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस तीसरा कितना है जी 60 मल्टीप्लाई बाई 10, और इस सब को डिवाइड कितने पे करना है, जो इनकी तादाद है 20 जमा 30 जमा 10, ठीक है, इस पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, सॉरी, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करके जमा करेंगे तो ये आपके पास नंबर आता है 4300 का डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, एंड द आंसर कम्स टू 71.67%, ये इसका आंसर है। इसको नोट कर लें, कोई क्वेश्चन इसमें से मुझसे पूछना है तो काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि ये वाला जो सवाल है इसको इसी तरह से करना है, ये आपका कहलाता है वेटेड एवरेज। अच्छा जी, वॉइस आ रही है अभी क्लियर, ठीक है।
अभी आ रही है क्लियर? चले हो गई होगी अभी, ठीक है, वो मैंने म्यूट किया था, एक कॉल आ रही थी मुझे। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चंस हैं इसके इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और आपको इसकी इनका सलूशन क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, जिस तरह कि कल हम पढ़ चुके हैं और मैंने डिटेल में जो हमारी बात हुई थी। वॉइस का इधर कोई मसला नहीं है, ये इसको मुबशर को काइंडली मैसेज कर दें कि वॉइस इज क्लियर, बाकी लोग ज़रा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज द सोल्यूशन, प्रैक्टिस जो है वो सोल्यूशन है ओनली। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है, वही आपका इसका हल है।